गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने मुंबई तथा अन्य राज्यों से मजदूरों के पलायन होने पर कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, देश में लॉकडाउन नहीं होगा, केवल रात्रि कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने कहा कि जहां भी हैं वहीं रहें, देश लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील किया है कि समय समय पर हाथ धोते रहें तथा मास्क का प्रयोग करें एवं हाथों को सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने वैक्सीन खत्म होने की बात पर कहा कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन लगवाने के लिए घबराएं नहीं, अपनी बारी आने पर ही वैक्सीन लगवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, खेला ही तो बाप खेला हो गए, खेला हो गए। इस टाइम हम लोग पूरी तरह देखा, हम लोग पूरा एकदम आप लोग हिला दिया, कर दी इसके नियम के लिए नहीं मैं गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से सब लोगों को कहना चाहता हूँ, कृपया आप लोग घबराएं नहीं। प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि लॉकडाउन पूरा नहीं होगा, कोरोना कर्फ्यू होगा वो रात के समय, तो आप लोग अपनी नौकरी धंधा पानी ना छोड़ें, देश लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा है। आप लोग ख्याल रखें अपना, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ वॉश करते रहें, सैनिटाइज करें, लेकिन घबरा के कहीं भागिए मत। बस मेरी, मैं सांसद रवि किशन शुक्ला आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया आप जहां पर हैं आप लोग वहीं बने रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन पर देश नहीं जा रहा है, आप लोग निश्चिंत रहें। वैक्सीनेशन अब तो लगा, देखिए अब लगाने के लिए सब लोग अचानक एकदम घबरा के आ गए, तो वो पहले जहां 100-200 लोग आते थे, अब वहां 1000-2000 लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो घबराइए नहीं, सबको लगेगा, बारी बारी रजिस्टर करवाइए, उसका एक प्रोटोकॉल है, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, अपने देश में बन रहा है, कहीं विदेश से नहीं आ रहा है, तो पर्याप्त मात्रा में उसको रोज बनाया जा रहा है, 135 करोड़ की आबादी और सब जगह पहुँचेगा और सबको वैक्सीनेशन होगा। कल हमने डोज ले लिया, महादेव की कृपा से कोई चिंता नहीं, आप लोग कृपया डोज ले लें, ध्यान दें, कसरत करें, एक्सरसाइज करें, सैनिटाइज करें, मास्क पहने, 2 फीट की दूरी रखें और टेस्टिंग करवाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाते रहें।